हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। एक दिन उर्मिला अपनी छोटी बहन निर्मला से गांव में मिलने आई। उर्मिला एक धनी सौदागर को ब्याही थी और निर्मला गांव में एक गरीब किसान के साथ। भोजन करते समय उनमें यूं बातचीत होने लगी। उर्मिला बोली, निर्मला मुझे गांव में रहना पड़े तो जरा भी जी न लगे। देखो हम नगर में रहकर कैसे सुंदर वस्त्र पहनती है और नाना प्रकार के व्यंजन खाती है, नाटक तमाशे देखती है, बाग बगीचों में सैर करती है और सदैव रंगरेलियां मनाती है। निर्मला अभिमान से बोली, मुझसे कहती हो, मैं तो कभी तुम्हारे साथ अदला बदली ना करूं। माना कि हम मोटा छोटा खाते हैं, लेकिन हमें रात दिन चिंता तो नहीं घिरे रहती। तुम्हें तो सदैव लगी रहती है हानि लाभ दो जुड़वा भाई है। जो आज राजा है वही कल कंकाल है। यह तो सदैव एक रस रहते हैं। किसान धनवान नहीं बन सकते, लेकिन अन्न वस्त्र की तो उनको कमी हो ही नहीं सकती। उर्मिला बोली, अन्न की एक ही कही, तुम तो पशु हो, रीति नीति आचार व्यवहार क्या जानो। कितना ही मरो खपो, तुम और तुम्हारी संतान एक दिन इसी खाद के ढेर पर प्राण त्याग कर देगी और बस। निर्मला बोली, इससे क्या, मरना तो एक दिन सभी को है। खेती का काम कठिन है, पर हमें किसी का भय नहीं, न किसी को मस्तक झुकाना पड़ता है। नगर में रहते हुए मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। क्या जाने कल तुम्हारा पति मध्य से भी बनकर जुआरी और वेश्यागामी हो जाए। ऐसी बातें आए दिन सुनने में आया करती है। मथुरा चारपाई पर पड़ा हुआ ये बातें सुन रहा था। मन में सोचने लगा, मेरे स्त्री कहती तो सच है, हम बालपन से ही खेतों के काम में लगे रहते हैं कि हमें कुकर्म करने का ध्यान तक नहीं आता। पर दुख यही है कि हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास खेत नहीं है, यदि मेरे पास धरती काफी हो जाए तो फिर चांदी है। संयोग से अधर्म भी वहां बैठा ये बातें सुन रहा था। मथुरा में धरती की लालसा उत्पन्न होते देखकर प्रसन्न हो कहने लगा कि इसी तृष्णा के वश में एक दिन इसका सर्वनाश करूंगा। इस गांव के समीप एक जमींदारी रहती थी जिसके पास 200 बीघे जमीन थी। उसने एक बूढ़ा सिपाही कारिंदा रख छोड़ा था। वह कारिंदा असामियों को बड़ा दुख देता था। मथुरा अपने पशुओं को संभाल संभाल कर रखता था, पर कभी कभी वे उसके खेत खलियान में चले ही जाते थे। कई बार उसकी और कारिंदे की लड़ाई हुई। मथुरा अत्यंत दुखी हो गया था। कुछ दिन उपरांत ये चर्चा फैली कि बुढ़िया अपनी रियासत बेचती है और गाँव का बनिया उसे मोल लेने को तैयार है। गाँव वाले डरे कि यदि बनिया मालिक बन गया तो उसके सिपाही कारिंदे से भी अधिक दुख देंगे। उचित यह है कि सब मिलकर रियासत खरीद ले। परंतु अधर्म ने उनमें ऐसी फूट डाली कि वे लोग कोई निश्चय न कर सके। तब उन्होंने फैसला किया कि लोग अपने अपने नाम से भूमि खरीदे। बुढ़िया इस पर भी राजी हो गई। एक किसान ने 50 बीघा धरती बुढ़िया से इस शर्त पर मोल ली कि आधा दाम तुरंत दूंगा और आधा एक वर्ष पीछे। ये सुनकर मथुरा के मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने विचारा कि कुछ भी हो 40 बीघा धरती अवश्य मोल लेनी चाहिए। 100 रुपए घर में जमा थे, बाकी कुछ अनाज और बेहल बेचकर 40 बीघा धरती खरीद ही ली। आधा दाम पहले दे दिया, आधा 2 वर्ष पीछे चुका देने का वचन दिया। मथुरा बड़ा पुरुषार्थी था। खूब मेहनत से खेत जोते बोए, फसल अच्छी लगी, 2 वर्ष के भीतर ऋण चुक गया। अब वह अपने खेतों पशुओं भूसे खलियान चरान को देखकर फूला न समाता। ये खेत वहां पहले भी थे और मथुरा उन्हें नित्य देखा भी करता था, परंतु ममत्व हो जाने के कारण उनको देखने में अब कुछ और ही आनंद मिलता था। अब मथुरा के पास अपनी जमीन थी और उसके दिन सुख से कट सकते थे, परंतु पड़ोसी बड़ा दुख देने लगे। कभी कोई खेत में बैल छोड़ देता, कभी गाँव के बालक चरान में डंगर चराने रखते। पहले पहले तो वह सब सहन करता रहा, पर कहां तक करे। उसने विचारा कि यदि इस प्रकार चुप लगाए रहूंगा तो ये चैन न लेने देंगे। आखिर उसने नालिश करके कई मनुष्यों पर दंड लगवा दिया। लोग इससे जलकर और भी दुख देने लगे। एक रात दयाराम ने मथुरा की धरती में से सारे वृक्ष काट डाले। उसने प्रातःकाल जाकर देखा तो सारे वृक्ष कटे पड़े हैं। आग हो गया। सोचने लगा, ये किसकी शरारत है, कोई एकाध वृक्ष काट लेता तो खैर कुछ बात न थी, पर इस चांडाल ने तो एक भी वृक्ष न छोड़ा। हो न हो यह उपद्रव तो दयाराम ने किया है। बस क्रोध से भरा हुआ वह दयाराम के घर पहुंचा और बोला, तुमने वृक्ष क्यों काटे,
दयाराम लड़ने मरने पर तैयार हो गया। कैसे वृक्ष, किसने काटे? जाओ, नहीं तो अभी सिर फोड़ देता हूँ। मथुरा भला ये बातें कब तक सह सकता था। तुरंत कचहरी में पहुंचा और नालिश ढोल दी। फैसला होने पर दयाराम कोरा बच गया। वृक्ष काटने का कोई साक्षी न था। मथुरा जल भुन कर हाकिमों को गालियां देने लगा। तुम चोरों को छोड़ देते हो, तुम स्वयं चोर हो, इत्यादि। तात्पर्य ये है कि अब कोई दिन ऐसा न था कि पड़ोसियों से उसका लड़ाई झगड़ा न हो। पहले जब घर की एक बीघा धरती पास न थी तो वो बड़ा सुखी था। अब नित्य क्लेश रहता था, कुछ समझ में न आता था कि क्या करूं। इन्हीं दिनों गांव में यह चर्चा शुरू हुई कि लोग घर बार छोड़कर किसी नए देश में जाने का विचार कर रहे हैं। मथुरा बड़ा प्रसन्न हुआ कि उजाड़ हो जाने पर बहुत सी धरती मिल जाएगी, आनंद पूर्वक दिन काटूगा। एक दिन मथुरा के घर में एक अतिथि आया। मथुरा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। रात्रि को भोजन करते समय अतिथि बोला कि सरकार ने पंजाब में एक नई बस्ती बसाई है। मनुष्य पीछे 25 बीघा जमीन मिलती है। जमीन बड़ी सुंदर है। अभी एक मनुष्य खाली हाथ वहां आया था, 2 वर्ष के अंदर मालामाल हो गया। ये सुनकर मथुरा को तृष्णा ने आ घेरा। कहने लगा, मैं इस अंधे कुप में क्यों सड़ू? घर बार बेच कर उस नई बस्ती में ही क्यों न चला जाऊं? यहाँ तो पड़ोसियों ने विपत्ति में जान डाल रखी है, परंतु पहले जाकर देख आओ। उन दिनों रेल न थी। 300 मील पैदल चलने का कष्ट उठाकर वहां पहुंचा। देखा कि अतिथि सच कहता था, मनुष्य पीछे 25 बीघा जमीन मिली हुई है। यदि कोई चाहे तो 1 रुपया बीघा पर अधिक धरती भी मोल ले सकता था। बस फिर क्या था, देखभाल करके तुरंत घर को लौट आया और धरती, मकान, पशु आदि सब बेचकर नवीन बस्ती को चल दिया। हाय तृष्णा। मथुरा कुटुंब सहित नई बस्ती में पहुंचा और चौधरियों से मित्रता करके 135 बीघा धरती ले ली और मकान बनाकर वहां निवास करने लगा। इस बस्ती में यह रीति थी कि एक ही खेत में लगातार 2 वर्ष बाने बोने के पीछे धरती को छोड़ना पड़ता था कि ताकि धरती निकम्मी न होने पावे। लोभ पाप का मूल है। पहले पहले तो मथुरा आनंद सहित अपना काम करता रहा, परंतु अब उसके ध्यान में 135 बीघा धरती भी थोड़ी थी। उसकी लालसा तो ये थी कि सारी धरती में गेहूं बोए, धरती परती छोड़े तो कहां से छोड़े। फिर उसने देखा कि बहुत लोग पंचायत से अलग जमीन लेकर खेती करके धन संचय करने लगे हैं। अतएव वह सदा चिंताग्रस्त रहने लगा। फल ये हुआ कि वह दूसरों के खेत बटाई पर खेती करने लगा। यद्यपि बहुत सा धन एकत्र हो चुका था, तिस पर तृष्णा बढ़ती ही जा रही थी। 3रे वर्ष ठीक फसल के समय जब बटाई वाली धरती में गेहूं पके खड़े थे तो मालिक ने अपनी धरती छुड़ा ली। फिर तो मथुरा के क्लेश की कोई सीमा नहीं रही। कहने लगा कि यदि आज ये धरती मेरी अपनी होती तो क्या ऐसा हो सकता था। दूसरे दिन मालूम हुआ कि पड़ोसी अपनी 1300 बीघा धरती 1500 रुपए में बेचता है। सौदा पक्का हो रहा था कि अकस्मात एक अतिथि आ पहुंचा। अतिथि बोला, तुम बड़े मूर्ख हो, 1500 रुपए में 1300 बीघा धरती मोल लेते हो। गुजरात देश में क्यों नहीं चले जाते? वहां धरती बड़ी सस्ती है। मैंने वहां 1000 रुपए में 13000 बीघा धरती मोल ली है। वहां का राजा बड़ा सीधा साधा है, बस वहां जाकर उसे प्रसन्न कर लो, जितनी धरती चाहोगे मिल जाएगी। मथुरा ने उसका कहना मान लिया और इस बस्ती में धरती लेने का विचार छोड़ दिया। दूसरे दिन मथुरा कुटुंब को बस्ती में छोड़कर एक नौकर के साथ 1000 रुपए पल्ले बांध गुजरात को चल दिया। 500 मील चलने पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग डेरों में रहते हैं, न कोई धरती बोता है न अन्न खाता है। गाय, भैंस, घोड़े इत्यादि तराई में चलते फिरते हैं। स्त्रियां दूध दोकर मक्खन आदि बना लेती है, यही उनकी जीविका है। सब लोग हंसते खेलते गाते बजाते आनंद सहित काल व्यतीत कर रहे हैं। कोई झगड़ा है न लड़ाई, सबके सब अनपढ़ और मूर्ख है, परंतु कपट का नाम नहीं। मथुरा को देखकर वे लोग बड़े आनंदित हुए और बड़ी आवभगत से उसे एक डेरे में ले गए। मथुरा ने उन्हें कुछ पदार्थ भेंट किए। लोग भेंट लेकर बोले, महाशय यहाँ की रीति है कि जो कोई हमें भेंट देता है उसके बदले हम उसे कुछ अवश्य देते हैं। इस कारण आप बतलाइए कि आप क्या चाहते हैं। मथुरा बोले, मुझे केवल धरती की अभिलाषा है। हमारे देश में बस्ती बढ़ जाने के कारण माता ने फल देना छोड़ दिया है। तुम्हारी धरती अच्छी मालूम होती है। लोग हंसकर बोले, हाँ हाँ ये बात तो नहीं, धरती जितनी चाहो ले लो, परंतु हम अपने राजा से पूछ ले। इतने में राजा भी वहां आ गया।
ये बातें सुनकर मथुरा से कहने लगा, हाँ जितनी भूमि चाहो ले लो। मथुरा बोला, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मुझे बहुत नहीं चाहिए। हाँ इतनी बात है कि धरती नाप कर पट्टा लिख दीजिए। मरना मरना जीना बना हुआ है, लिखा पढ़ी बिना सौदा ठीक नहीं होता। आज आप दे दे कल सयाद आपकी संतान मुझसे धरती छीन ले तो क्या बना लूंगा। राजा बोला, बहुत ठीक, धरती नाप कर पट्टा लिख देंगे। मथुरा बोले, दाम क्या होगे? हम एक बात जानते हैं, दूसरी नहीं, बस एक दिन की 1,000 मुद्रा। राजा बोले। मथुरा बोला, दिन का क्या हिसाब है, मैंने नहीं समझा। भाई साहब, बीघा सीघा हम कुछ नहीं जानते, हम तो एक दिन की 1,000 मुद्रा लेंगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितना चक्कर कोई मनुष्य काट ले उतनी ही धरती उसकी हो जाती है। मथुरा बोले, कहाँ कहाँ, एक दिन में तो मनुष्य बड़ा भारी चक्कर काट सकता है। हाँ तो क्या हुआ, परंतु एक बात यह है कि जहां से चलोगे सूर्यास्त से पहले तुम्हें वहां आना पड़ेगा। भला चक्कर का चिन्ह कौन लगाएगा? तुम एक कुदाल ले जाना और गड़े खोदते जाना, परंतु ये याद रहे कि जहां से चलो सूर्यास्त से पहले वही आ जाना। मथुरा बोला, बहुत अच्छा। ये बातें सुनकर मथुरा अत्यंत प्रसन्न हुआ। निद्रा कहा, मथुरा रात भर इसी सोच विचार में रहा कि मैं 35 मील का चक्कर सहज में काट सकता हूँ। ओहो 35 मील, फिर तो मैं बड़ा इलाकेदार बन जाऊंगा। सौभाग्य से दिन भी बड़े हैं, 35 मील धरती बहुत होती है, घटिया धरती बेच डालूंगा, अच्छे अच्छे खेत आप रख लूंगा। दिन निकलने से पहले मथुरा की एक क्षण के लिए आंखें चपक गई। क्या स्वप्न देखता है कि गुजरात देश का राजा सम्मुख खड़ा हंस रहा है। पास जाकर हंसने का कारण पूछा तो जान पड़ा कि राजा नहीं, वो तो गुजरात देश का सूचना देने वाले अतिथि है। तुम कहा, पर मालूम हुआ वह तो नवीन बस्ती की बात बतलाने वाला बटुक है। समीप जाकर देखने लगा तो बटुक कहा, वहां तो साक्षात अधर्मराज मुंहबाए खड़े हैं और उनके पैरों के नीचे धोती कुर्ता पहने एक पुरुष चित्त मरा पड़ा है। झुककर देखा तो मथुरा, वो भयभीत होकर उठ बैठा। ओहो स्वप्न में भी क्या क्या भयंकर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। सूर्य उगते ही वह राजा सहित जंगल को चल दिया। जंगल में पहुंचकर राजा ने कहा, जहां तक दृष्टि जाती है हमारा ही देश है, कहीं से चक्कर काटना आरंभ कर दो। देखो मैं यह छड़ी रख देता हूँ, बस सूर्यास्त से पहले यहाँ आ जाना। मथुरा छड़ी पर 1,000 रुपए रखकर रोटी पल्ले बांध छड़ी हाथ में ले चक्कर काटने लगा। 3 मील चलने पर एक पहर दिन चढ़ाया, उसे गर्मी सताने लगी। मथुरा ने मन में कहा, दिन में 4 पहर होते हैं, अभी तो 3 पहर शेष है, अभी लौटना उचित नहीं, जूते उतार डालू, नंगे पैर चलने में सुविधा होगी। 3 मील और जाकर बाई और फिर जाऊंगा। आहा ये टुकड़ा तो बहुत ही अच्छा है, भला ये कहीं छोड़ने योग्य है? यहाँ तो जो जो आगे पड़ता है अच्छी ही अच्छी धरती आती जाती है। फिर कर, ओहो राजा आदि तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, शायद दूर निकल आया, अब लौटना चाहिए, गर्मी बढ़ गई है, प्यास से गला सुखा जाता है। उसके बाई और लौटते लौटते दोपहर हो गई, तब वह जरा दम लेने को बैठ गया, रोटी निकालकर खाई, पानी पिया और फिर चल खड़ा हुआ। सूर्य का तेज सहा न जाता था, गर्मी इतनी थी कि शरीर झुलसा जाता था, परंतु तृष्णा का भूत सिर पर सवार था। करे तो क्या करे, कहने लगा, क्या चिंता है, अभी दुख फिर सुख, चलो। चलते फिर चलते दूर निकल गया। तब उसे ध्यान आया, ये तो बुरा हुआ, मैंने बड़ी चूक की, अब यदि पूरा घेरा धरती को ठीक चौकोर बनाऊंगा तो सूर्यास्त से पहले छड़ी तक पहुंचना असंभव है। अच्छा तीकोना ही रहने दो, यही से लौट चलो, ऐसा ना हो कि सूर्यास्त हो जाए और मैं बीच में ही रह जाऊं। मथुरा नाग की सीध में छड़ी की ओर चलने लगा। गर्मी के मारे उसका मुंह सूख गया, शरीर जल उठा, पाव घायल हो गए, टांगे थक गई, ठहरे कैसे, सूर्य उसका चाकर तो था नहीं कि उसके लिए खड़ा रह जाता। सोचने लगा, हाय हाय ये मैंने क्या किया, मुझे क्या लालच ने मार गिराया, सूर्य डूबने आया, छड़ी का अभी तक कहीं पता ही नहीं, करूं तो क्या करूं, हे भगवान। अब साफा सिर से फेंक लाठी छोड़कर वह दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते छाती लोहार की धौकनी बन गई, उसका हृदय धड़कने लगा, वह सिर से पैरों तक पसीने में डूब गया, उसकी टांगे लड़खड़ा गई, उसने समझा कि अब प्राण गए, चिल्ला पड़ा, हाय सारी के लालच में आधी भी खो बैठा, परंतु इतना कष्ट उठाकर यदि ठहर जाऊंगा
तो लोग मुझे महामूर्ख समझेंगे। दौड़ो, जैसे बन सके छड़ी पर पहुंचो। इतने में उसे विराट देशवासियों का शब्द सुनाई देने लगा। सूर्य डूबने को हुआ, लाली छा गई, छड़ी सामने दिखाई देने लगी। पास राजा बैठा है, छड़ी पर एक सहस्र मुद्रा पड़ी हुई है। उसे रात्रि वाला स्वप्न स्मरण हुआ, निराश होकर बोला, धरती तो मिल गई, परंतु क्या मैं छड़ी तक पहुंच सकता हूँ? इतने में सूर्य अस्त हो गया। टीले पर वे किस प्रकार पहुंचे, वो चिल्ला उठा, हाय हाय, मेरा सारा परिश्रम निष्फल हुआ, सूर्य अस्त हो गया। लोग टीले पर बैठे हुए पुकारने लगे, नहीं नहीं, सूर्य भी अस्त नहीं हुआ, दौड़ो। वह जी तोड़कर दौड़ा और अंत में टीले पर चढ़ गया। देखा कि छड़ी पड़ी है, राजा पास बैठा हंस रहा है। फिर स्वप्न याद आया, उसकी टांगे कांप गई, वो मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसका हाथ छड़ी को जा लगा। राजा बोला, बड़ा उद्यमी है, इसने कितनी धरती पर अधिकार जमा लिया। नौकर जाकर उठाने लगा तो देखा कि मथुरा के मुख से रुधिर की धारा बह रही है और वह मरा पड़ा है। फिर क्या था, सब ने वही जंगल से लकड़ियां एकत्र करके उसका दाह कर्म किया और सबको विदित हो गया कि उसे केवल डेढ़ गज भूमि की आवश्यकता थी। आप सुन रहे थे लियो टॉल्स्टॉय की कहानी, एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।